क्लास में जो हो गया सो गया तो दीदी लोग अब देखो यार मेरे हाथ में मान लो 6 लड्डू हैं। पहला लड्डू मैंने इसे खिलाया, दूसरा इसको खिलाया, तीसरा इसको खिलाया, फिर चौथा लड्डू में सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ के इसको और उसको क्यों खिलाओ, मेरे लिए तो सब बच्चे बराबर है। चौथा इसके मुंह में, पांचवा इसके मुंह में, छठवा इसके मुंह में मैंने डाल दिया। अब ये दोनों भूखे रह गए, तुम खड़े हो जाओ, ये 4S है, तुम तीनों खड़े हो जाओ, तुम तीनों, ये 4P है। अब मैं लिगेंड का इलेक्ट्रॉन, वो तो मेटल के इलेक्ट्रॉन थे जो अंदर कंडेंस हो गए। अब क्यों कंडेंस नहीं हुआ, हुंस रूल देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता था हुंस रूल फॉलो नहीं होगा, जबकि हुंस रूल फॉलो हो रहा है। लोअर एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, देन इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में जाएगा, हुंस रूल का फॉलो हो रहा है। यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो बातें बता रही थी, जो नकार रही थी, वो बातें यहाँ पे सॉल्व हो रही है। इज दैट क्लियर? क्योंकि हुंस रूल कभी भी वायलेट नहीं होता है। अब ये दो ऑर्बिटल खाली, अब मैं लिगेंड हूं, मैं इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करूं, एक पेयर इसको डोनेट किया मैंने, फिर एक पेयर इसको डोनेट किया, दो पेयर हो गया, फिर तीसरा पेयर मैंने इसको डोनेट किया, फिर चौथा पेयर इसको डोनेट किया, पांचवा पेयर इसको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आठवां पेयर इसको डोनेट, समझ में आया? अब तुम हाथ पकड़ो उसका, उसका हाथ पकड़ो, पकड़े हुए हाथ ऊपर करो, पकड़े हुए हाथ ऊपर करो। उन वेकेंट ऑर्बिटल जिनमें लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया है, उसकी मिक्सिंग हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा हुआ? d2sp3 टाइप का। तो अंदर का d ऑर्बिटल और बाहर का s और p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। यस सर। हां या नहीं? यस सर। बैठो बैठो। अब मैं वीक फील्ड लिगेंड बन के आऊंगा वहां से। तुम लोग थोड़ा मरेला मरेला बैठो ऐसे ऐसे एकदम ऐसे, और जैसे ही मैं सामने आऊंगा तो मैं वीक फील्ड हूँ, खड़े मत होना इस बार, सीधे बैठ जाना बस, इतना ही सम्मान लेना। अब मैं वीक फील्ड अब मैं सबसे पहले मरेला मरेला मैं यहाँ पे गया, कुछ नहीं हुआ इन तीनों का, कुछ सीधे सीधे हो जाओ ना तुम लोग, इतना तो सम्मान दो। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा तो इतना सा खड़े हो, खड़े हो इतना सा, हाँ इतना सा खड़े हो, बस थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा, और तुम लोग लुढ़क लो लुढ़क लो, थोड़ा सा थोड़ा सा। अब देखो इनमें इनमें ज्यादा डिफरेंस, जहां ये लुढ़के हैं वहीं पर ये इतना इतना खड़े हुए। अब मेरे हाथ में 5 लड्डू, एक लड्डू मैंने इसको खिलाया, दूसरा इसको खिलाया, तीसरा इसको खिलाया, चौथा इसको, पांचवा इसको, लड़की डोंट, तीसरा आ जाओ आ जाओ, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, छठवा पेयर, हाथ पकड़ लो, पकड़ो हाथ इसका, sp3 2 उसका पकड़े हुए हाथ ऊपर करो। देखो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है, sp3 बाहर का d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, पहले हमारे अंदर का डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे ये लोग, अब बाहर के लोग पार्टिसिपेट करो, पकड़ो हाथ ऊपर करो ना, तब तक हाथ ऊपर रखो जब तक दर्द ना हो। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3 d2, सो दैट हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 d2, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन d2 sp3 एंड sp3 d2, इज दैट क्लियर? यस सर। फिलहाल के लिए बैठो।